हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं एक्शल स्केलेटन एक्शल स्केलेटन का पहला पार्ट हुआ हमारा जिसमें हमने क्या पढ़ा सिकल की जो क्रेनियल बोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए तो आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे दैट इज़ फैशियल बोन्स तो आज हम देखेंगे कि वट आर फैशियल बोनस और कहां कहां पे फैशियल बोनस लोकेटेड है ठीक है तो देखिए व्हाट आर फैशियल फैशियल बोनस बेसिकली क्या होती हैं ये ऐसी बोनस होती हैं जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल को बनाती हैं ठीक है सो फैशियल बोनस फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल हाँ अब जो फैशियल बोनस हैं दे आर फोर्टीन इन नंबर दे आर फोर्टीन इन नंबर हाँ तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी फैशियल बोन है नंबर फर्स्ट फैशियल बोन इज मैंडिबल मैंडिबल सबसे पहली फैशियल बोन हम पढ़ेंगे मैंडिबल सिंगल होती है एक मैंडिबल होती है हमारे फेस में एंड इट इज द लवर जा बोन मैंडिबल क्या होती है लवर जा जो हमारा लवर जा होता है इसकी बोन होती है मैंडिबल यही बोन होती है मैंडिबल ठीक है हाँ और जो मैंडिबल होती है मैंडिबल इज द लॉन्गेस्ट बून ऑफ फेस ये फेस की सबसे लॉन्गेस्ट बून होती है एंड स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल बोन ऑफ द बॉडी जो भी बोनस हमारे बॉडी में है उनमें सबसे स्ट्रोंगेस्ट बून कौन सी है मैंडिबल ठीक है हाँ तो जो हमारी मैंडिबल होती है

बून ऐसी हैं जो कि मूव कर सकती हैं जो कि मूवेबल है और वो है मैंडेबल ठीक है हाँ तो यहां पे आप देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है सेक्शन बनाया है मैंडेबल का तो आप देखिए ये लेटरल व्यू है इसका तो ये वाली जो प्रोसेस है दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द मैंडेबल और जो ये वाली प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज कोरोनाइड प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज रोनाइट प्रोसेस एंड दिस पार्ट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोंडाइल कोंडाइल ऑफ द मैंडिबल द नाच बिटवीन कोरोनाइट प्रोसेस एंड कोंडाइल इट इज कॉल्ड एज मैंडिब्युलर नाच इट इज कॉल्ड एज मैंडिब्यूलर नाच दिस पार्ट इज नेक ऑफ मैंडिबल एंड दिस पार्ट इज द रैमस दिस पार्ट इज रैमस और ये जो एंगल बनाता है ये मैंडिबल इसको हम बोलते हैं गोनियान क्या बोलते हैं गोनियान हाँ, तो इतना आप याद रखो मैंडल के बारे में ठीक है हाँ तो अब हम जो दूसरी फैशियल हम देखेंगे राइट मैक्सिला एंड लेफ्ट मैक्सिला ठीक है हाँ जो मैक्सिला होती है बेसिकली दीज आर अपर जा बून ये जो हमारा अपर जा होता है उसकी बून को हम बोलते हैं मैक्सिला ठीक है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नोज ये नोज का कुछ पोर्शन बनाती है ऑबिट ऑबिट इसका कुछ पोर्शन बनाती है या रूफ ऑफ माउथ जो माउथ का रूफ होता है उसका कुछ पोर्शन मैक्सिला बनाता है ठीक है हाँ तो यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है मैक्सिला की इट इज दलव ऑफ लेफ्ट तो आप इसमें, uh, ये देखो, जो ये वाली प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज फ्रेंटल प्रोसेस जो ये वाली प्रोसेस है जो मैंने बिल्लू से दिखाई है इट इज दैटिक प्रोसेस इट इज दाइगोमैटिक प्रोसेस ठीक है हाँ और ये वाली प्रोसेस इसको हम बोलते हैं एंटीरियर नेर स्पाइन और ये जो यहां पर हम बोलते हैं है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर प्रोसेस एल्वियोलर प्रोसेस इज इट क्लियर अबाउट मैग्जिला यस देखिए अब हम तीसरी जो हमारी फैशियल बोन है वो देखेगी जाइगोमैटिक जाइगोमैटिक जो जाइगोमैटिक जोटिकून होती है दे आर ऑल्सो टू इन नंबर दे आर ऑल्सो टू इन नंबर राइट जाइगोमैटिक बून एंड लेफ्ट जाइगोमैटिक बोन और यू कैन कॉल इट सिंपली जाइगोमा राइट जाइगोमा एंड लेफ्ट जाइगोमा ठीक है हा तो ये जो ये जगोमेटिक बोन है ये कहां पे लोकेटेड होते हैं इट इज लोकेटेड लेटरल टू जयगोमेटिक प्रोसेस जो जैगोमेटिक प्रोसेस है इसके लेटरल साइड में होती है कौन जेगोमेटिक बोन हाँ दोनों मैग्जिला में दोनों मैगजिला में क्या होता है दोनों मैगजिला के लेटरल साइड में क्या होता है एक बून होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बून ठीक है हाँ अब जो ये जाइगोमेटिक बून है इट फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स जो चीक्स पे ये प्रोमिनेंस है आप खुद भी पल्पेट कर सकते हो जो ये चीक्स पे ये प्रोमिनेंस है इट इज द प्रोमिनेंस ज़ाइगोमैटिक बोन एंड इट मेक्स द लवर आउटर पोर्शन ऑफ ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स का लवर आउटर पोर्शन होता है वो भी कौन बनाता है ज़ाइगोमैटिक बोनस ठीक है हाँ। देखिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक और फैशियल बोन दैट इज लैक्रिमल बोन दैट इज लैक्रिमल बोन लैक्रिमल बोन आर ऑल्सो टू इन नंबर दे आर ऑल्सो टू इन नंबर हाँ, देखिए जो लैक्रिमल बोनस होती हैं दे लाई एंटीरियरली ऑन मीडियल साइड ऑफ ईच ऑबिट ये दोनों ऑबिट के मीडियल साइड के एंटीरियरली लाई करते हैं जस्ट पोस्टीरियर टू फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हा और मैक्सिला की फ्रेंटल मैक्सिला की जो फ्रेंटल प्रोसेस उसके पोस्टीरियर साइड में होती है ये लैक्रिमल बोन ठीक है और इस लैक्रिमल अगर आपको पता होगा लैक्रिमल मीनस टेयर हाँ तो ये जो लैक्रिमल बोन हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ टीयर डक्ट्स जो लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड वो आ, वो जो डक्ट होते हैं जो कैरी करते हैं उस टीयर को तो Uh, उनकी एसोसिएशन होती है लैक्रिमल बोन से दैट इज़ आर लैक्रिमल आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा चलिए इसके बाद हम एक और फैशियल बोन पड़ेगी दैट इज ने बोन दैट इज ने बोन नेजल बोनस आर ऑल्सो टू इन नंबर ये भी दो होती हैं और दे फॉर्म द सुपीरियर पोर्शन ऑफ ब्रिज ऑफ नोज जो नोज होती है उसका जो ब्रिज होता है उसका सुपीरियर पोर्शन कौन बनाता है Nazzle bones. Nazzle bones. तो यहां पर मैंने पिक्चर बनाई है एक डायग्राम बनाई है नेजल बोनस की दिस इज राइट नेजल बोन दिस इज लेफ्ट बोन दिस टू आर नेजल बोनस ठीक है हाँ तो दो नेजल बोनस है ये फ्रंटल बोन है तो ये जो दो नेजल बोन हैं फ्रंटल बोन के साथ एक आर्टिकुलेशन बनाती हैं उसको हम बोलते हैं नेजियन क्या बोलते हैं नेजियन ठीक है हाँ चलिए अब एक और फैशियल बोन हम पढ़ेंगे दैट इज नेजल कोंके आर टर्बिनेट्स नेजल कोंके आर टर्बिनेट्स नेजल कोंके आर, आर टर्बिनेट्स दे आर टू इन नंबर ये भी दो होते हैं राइट इंफीरियर नेजल कोंके ये वाला राइट इंफीरियर नेजल कोंके एंड लेफ्ट इंफीरियर नेजल कोंके ठीक है बेसिकली अगर हम देखेंगे ना नेजल कोंके आर आर प्रेजेंट इन थ्री पियर्स तीन पियर्स होते हैं सुपीरियर एक वाला सुपीरियर पियर होता है और मिडल पियर होता है लेकिन वो जो सुपीरियर और मिडल पियर है ना वो इथमाइड बोन के पार्ट्स हैं वो हम फेस में इंक्लूड नहीं करते हैं लेकिन ये वाला जो पियर है राइट right इनफीरियर और लेफ्ट इनफीरियर नेजल कोंके दे आर इंक्लूडेड इन द फेशियल बोन्स ठीक है बेसिकली ये नेजल कोंके क्या होते हैं दे आर पैलेट लाइक कर्वड बोन्स विद इन नेजल कैविटी दे आर कर्वड पैलेट लाइक बोन्स प्रेजेंट विद इन नेजल कैविटी ठीक है, -like -like uh, है? हां और ये जो नेजल कोंके हैं या टर्बिनेट से दे फॉर्म द वॉल्स ऑफ नोज ये हमारी नोज की लेटरल को बनाते को बनाते जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नेजल कैविटी की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ठीक है, है? हा इसके बाद जो हमारी फैशियल बोन है दैट इज वोमर बोन वोमर बोन इज अ सिंगल बोन प्रेजेंट इन आवर फेस ठीक है हा बेसिकली इट इज ट्रैंगुलर इन शेप इट इज़ अ थिन बोन विच फॉर्म इज द इनफीरियो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम जो हमारा नेजल है उसका जो इनफीरियो पोस्टीरियर पार्ट जो है वो कौन बनाता है एक ट्रेंगुलर थिन बोन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं वूमर बोन और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन सी दैट वुमर बोन इज द डिवाइडर ऑफ नॉस्ट्रल इट इज द डिवाइडर इट डिवाइड इज द नॉस्ट्रल ठीक है हाँ, इसके बाद जो हमारी फैशियल बोन है वो कौन होती है पैलाटाइन बोन पैलाटाइन बोन पैलाटाइन बोन आर ऑल्सो टू इन नंबर राइट पैलाटाइन बोन एंड लेफ्ट पैलाटाइन बोन बेसिकली पैलाटाइन बोन आर एल शेप्ड बोन ये एल शेप्ड बोन होते हैं जो कि यूवूला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वट इज यूला जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ना सॉफ्ट पैलेट में एक मस्क्यूलर सॉफ्ट टिश्यू प्रोजेक्शन होती है Uh, उसके मिड लाइन पे जिसको हम कहते हैं यूव्यूला वो जो यूव्यूला होता है उसके ऊपर क्या होती है एल शेपड स्मॉल बोनस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं पैलेटाइन बोन ठीक है हाँ तो जब पैलेटाइन बोनस मिलते हैं इनके साथ मैग्जिला के साथ दे फॉर्म हार्ड पैलेट ये क्या बनाते हैं हार्ड पैलेट ठीक है हा सो दिस इज ऑल अबाउट फैशियल बोनस नाउ हाउ मेनी फैशियल बोनस आर देयर वन वन और दो हुए तीन पांच सात सात दो नौ ग्यारह बारह बारह और दो हुए चौदह सो देर आर फोर्टीन फैशियल बोन इन द ठीक है हाँ तो ये हुआ इसका दूसरा पार्ट क्रेनियल बोनस भी हमने किया कंप्लीट अब यहां पे हमारा फैशियल बोनस भी हुआ कंप्लीट इसका जो तीसरा पार्ट है मैंने बोला था कि जो तीसरी बोन होती है एक सिंगल बोन होती है दैट इज ड बोन इज बेसिकली एप्ड बोन विच इज लोकेटेड बिट्वीन मैंडिबल एंड लेरेंक्स हाइयड बोन एक यूशेपड बोन होती है जो कि लेरेंक्स और मैंडिबल के दरमियान होती है बिटवीन होती है हा जो हमारा हाइड बून होता है इट कंसिस्ट ऑफ मैन इलिप्टिकल पार्ट इसका जो ये इलिप्टिकल पार्ट होता है यहां पे मैंने बनाई हाइवाइड बून इसका जो इलिप्टिकल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी क्या बोलते हैं बॉडी हां और इसके साथ दो प्रोसेस होती हैं. दो प्रोसेस एक ये और एक ये, ये जो बड़ी वाली प्रोसेस है इनको हम बोलते हैं ग्रेटर हॉर्न ग्रेटर हॉर्न और यू कैन से ग्रेटर कॉर्नुआ ग्रेटर कॉर्नुआ हाँ तो और जो ये छोटी वाली प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ये इसको हम बोलते हैं लेसर हॉर्न और लेसर कॉर्नुआ ठीक है लेसर हॉर्न और लेसर कॉर्नुआ हाँ अब हम देखेंगे इस हाइड बोन की फंक्शन क्या होती है देखिए सबसे पहली फंक्शन इसकी क्या है इट होल्ड अप द टंग बो इट ये टंग को होल्ड करता है कुछ मसल की अटैचमेंट की मदद से यह टंग को होल्ड करता है जो कि इसके ऊपर होता है ठीक है हा और क्या होल्ड करता है और लेरिक्स को होल्ड करता है जो कि हैंंग होता है इसके नीचे ठीक है सो देर आर टू फंक्शन ऑफ द हाइड बोन फर्स्ट इज इट होल्ड अप द ट विच सिट्स अबो इट एंड सेकेंड इज इट होल्ड अप दरिंक्स ंगज बिलो इट जो कि इसके बिलो हैंग होता है उसको भी यह होल्ड करता है ठीक है आई होपाय क्लियर हुई होगी ठीक है हाँ तो नंबर लास्ट पार्ट ऑफ दिकल बोन इज ईयर ऑसिकल इसिकल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ऑन ईच साइड थ्री इयर ऑसिकल आर प्रेजेंट सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इयर ऑसिकल आर प्रेजेंट सिक्स सिक्स एयर ऑसिकल आर प्रेजेंट टू मैलियस टू सिटेपीज टू इंसस ठीक है हा तो जो हमारा मैलियस होता है मैलियस इज अटैच विद टिमपेनिक मेम्रेन के साथ अटैचड होता है जो सिटेपीज होता है सिटेपीज इज अटैच विद फेनेस्ट्रावेस्टिब्यूलाई फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाई पार्ट ऑफ एयर और जो इंसस होता है इनस इज कनेक्टेड बिट्वीन मैलियस एंड इंसस विद सम आर्टिकुलेशन ठीक है जो इंसस होता है ये मैलियस और स्टैपिस के साथ कनेक्टेड होता है ठीक है एयर ऑसिकल्स अब एयर ऑसिकल्स uh, की फंक्शन क्या होती है वो तो आपको पता है कि ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं ठीक है आई होप कि आपको ये आज का सारा टॉपिक समझ आया होगा तो दोस्तों आप वीडियो की तरफ देखिए uh, ये कुछ बोनस हैं फैशियल बोनस और uh, हाइड बोन और एयर ऑसिकल की पिक्चर्स हैं तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए ठीक है हां तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शल स्केल्टन का एक और पार्ट दैट इज सिटर्नम रिब्स ठीक है हाँ थैंक यू